यो बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, इट्स मी साहिल खालिद, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कहाँ जाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग गोवा की बहुत अच्छी जगहों पे जाने वाले हैं, 3-4 जगह पे जाएंगे। तो अभी कार हम लोग ने बुक कर दी है, तो वो अभी आ रही है। अभी थोड़ी देर में आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। भैया चलो, वो क्या आई गाड़ी है, टिड्डी अकेले आगे बैठती है, दिखती नहीं। प्लेस देख रहे हैं, मलंग गाने में शूटिंग में भी था, अभी नेटफ्लिक्स पर मूवी आई है लूप लपेटा, उसमें भी अगर देखी होगी मूवी तो समझ जाएंगे। गाइज, अभी हम लोग ओल्ड गोवा आए हैं, चर्च देख रहे हैं, वो विजिट करने आए हैं, तो अभी देखते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे डॉल्फिन शो देखने। तो अभी तो चर्च दिखाते हैं पहले। और ये दो दो क्या दिख गए, ये इधर वाली भी पब्लिक है, उधर वाली भी पब्लिक है, जाना किस में है। अम्मा कौन सा चर्च था ये, उनको बहुत धूप लग रही है, सारी धूप आज से रोक लेंगे। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना बिल्डर है ये एम्पायर। एंट्री यहाँ से है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है शायद। गाइस, बसिलिका में कैमरा बंद है, लेकिन इतना सा देख लीजिए बस जल्दी से, कैमरा नॉट अलाउ। भाई मना है, लेकिन जितना शूट हो पा रहा कर रहे कट। हम लोग आर्ट गैलरी में हैं, म्यूजियम में, सारी पुरानी आर्ट देख रहे हैं। 1541 मतलब गोवा के अलग अलग चर्चेस से सारी आर्ट से। मोरो आइलैंड 1546, इनाली पर आइलम गोवा 1542। इतना खूबसूरत है, बहुत पुराना चर्च है ये, 1532 का है, इस्टेब्लिश हुआ और अभी तक इसकी खूबसूरती बरकरार है। ये एक छोटी सी गैलरी है, साउंड एंड लाइट शो होता है वहाँ पर, अभी हो रहा है कि नहीं आई डोंट नो। गाइस, पीछे ये जो चर्च है इसका नाम है द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये चर्च 1523 या 1532 में बना हुआ था। भाई गूगल नहीं है ना, नेट है, तो पता नहीं एकदम एग्जैक्ट इसके बारे में। तो बहुत पुराना चर्च है और इसके अंदर सेंट जेवियर की कास्केट रखी हुई है, बॉडी मतलब सिल्वर वो सब बना हुआ है डूम टाइप का, वो हमने आपको अभी दिखाया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉल्फिन शो देखने, या कहीं ना कहीं जाएंगे तो दिखाएंगे। अभी तो फ़िलहाल अम्मा यहाँ खड़ी हुई हैं, फ़ोटो शूट करा रही हैं। बहुत नॉलेज नहीं है हमें चर्च के बारे में, लेकिन अंदर गए, म्यूज़ियम वगैरह गए, विज़िट करा, तो जितनी मतलब यहाँ पर नॉलेज थी वो सब तो कलेक्ट कर ली है। तो बस यही है यार, चर्च यहाँ का गोवा का, ओल्ड गोवा में है ये चर्च, और बहुत ही ज़्यादा सुपर, और मतलब देख रहे हैं कितना पुराने टाइप का, मतलब अंदर वाल से बहुत अच्छा बना हुआ है। अंदर कैमरा और फ़ोन से भी शूट करना मना है, इवन फ़ोन वहाँ जब जाओ तो स्विच ऑफ करा देते हैं। तो हमने चुप्पे चुप्पे से शॉट्स लिए हैं, तो आप लोग ने देखे होंगे, जितना हो पाया था हमने दिखाया था आप लोग को। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है कसम से यार गोवा में इस वक्त, और अम्मा सुबह सुबह ले आई हैं यार 10 बजे, कह रही हैं चलो पूरा दिन आज घूमेंगे। तो आज पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, तो दिखाते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, ऐसी और जगह चलेंगे तो दिखाएंगे, और डॉल्फिन वगैरह शो वगैरह देखेंगे तो वो भी दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे सेंट जेवियर को रखा गया है कास्केट में, बहुत मतलब पुराना सिल्वर कलर का बना हुआ है। ये है हमारे टिड्डी, हमारे अम्मा भैया फ़ोटो खिंचवाने के जुगाड़ में है। गाइस, ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इधर ही से आप लोग देख लिए यार, आर्कियोलॉजिकल
सर्वे ऑफ इंडिया, अंदर नहीं जाएंगे भाई, बहुत तेज़ धूप है, उधर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। जल्दी से नज़र मार लिए, फिर कभी चलेंगे अंदर। गाइस हमने आप लोग को चर्च दिखा दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी दिखा दिया, हम लोग जा रहे हैं सब लोग कार के तरफ। गाइस मेरे पीछे जो चर्च है वो आप कैसे नहीं जानते होंगे, आपको बता ही दें, ये चर्च देख रहे हैं आप, मलंग, सिम्बा, सिंघम, गोलमाल, किसमें नहीं लिया गया भाई, गोवा की शान है ये, फिल्म सिटी कहते हैं इसको, ये सब तो जानते ही होंगे आप, मतलब इतने लोगों ने मूवी देखी है। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए रुके थे, तो हमने कहा आप लोग को दिखा दें कि ये तो भाई गोवा की शान है यार, इतना प्यारा लग रहा है, रात में और अच्छा लगता है, लेकिन 4 बजे एंट्री बंद हो जाती है अंदर, 4 बजे नो एंट्री। हम लोग जा रहे हैं अंदर, मतलब ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं कैसा सीन है, ये स्टेयर्स चढ़ते हैं भैया, नो एंट्री ले बंद होती, यहीं तक एंट्री होती, यहाँ पर डोनेशन करती, वहाँ पर नो एंट्री देख के वापस चली जाती, ये क्या है, नो एंट्री देख के भाग जाए, चलो वापस चलो। बहुत पब्लिक आई हुई है यहाँ, पब्लिक काफ़ी है यहाँ। अब यहाँ से जा रहे हैं हम लोग डॉल्फिन शो के लिए। पहले गाइज उस चर्च में ऊपर तक जाने देते थे, अब नहीं जाने दे रहे हैं कोरोना के वजह से, कोरोना ने सब कुछ सक कर रखा है यार एकदम। कैसीनो बिग डैडी, यहाँ पे वो आ चुका है दीपक कलाल मीठा, कितनी सही जगह है, गर्म हो रही, दिल कर रहा है बस समंदर में भान जाए आके। भाई सारी गर्मी लग रहा है, तुम्हारा ओल्ड गोवा में पड़ रही है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं इतना गर्म नहीं है वहाँ यार। गाइस हम लोग मिरामर बीच आए हैं डॉल्फिन शो देखने, यहीं पे होता है, यहाँ पे कितना सुकून है, यहाँ आ चुके हैं हम लोग 2000 है ना, आ चुके हैं, जब पहले आए थे ना, नहीं आए थे मिरामर बीच, सारी बीचें तो एक ही जैसी लगती हैं। गाइस डॉल्फिन शो का पर पर्सन टिकट है 350 का, और हम लोग 4 लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को 1400 का पड़ा है, देखते हैं क्या है भाई साहब डॉल्फिन का मामला, डॉल्फिन है यार मिरामर में, बताओ। नॉर्थ गोवा से जो साउथ गोवा की बीचेस हैं वो ज़्यादा साफ़ हैं, देखिए साउथ गोवा की बीच कितना सन्नाटा और मतलब साफ साफ लग रही है, और वही नॉर्थ गोवा में गंदगी मचाए रहते हैं टूरिस्ट साले, इसको देख कितने साले को जाड़ा लग रहा है, इतनी गर्म में पहने डबल डबल, और मास्क भी लगा है भाई साहब, क्या चाहते हो, उतर गया बस। वो बोट आ रही है ढिचिक ढिचिक करते हुए, उसमें जाएंगे हम लोग, केकड़ा लग रहा है टिड्डी क्रैब, डमा डमा डम्मा ने बैक गियर लगा दिया आ रही है। अबे क्या कर रहा है बे, 10 मिनट से यार आ ही नहीं पा रहा, हाँ केकड़े बने हुए सब, ऑल सेट, बहुत देर बाद आए भैया ये लेने। वेलकम टू शेन बोट पे आप सभी का स्वागत है, जो आपको पिकअप किया है भैया सेल्फियाँ लिए पड़े, सबसे अच्छी जगह पे बैठ गया कि हम लोग, अरे अरे भाई इतना प्यारा लग रहा है, पीछे बहुत पब्लिक है देख रहे हैं भाई जी, सभी लोग देखो राइट साइड में, इस बोर्ड का तभी आती है वो भी समझ नहीं, कमाई हो रही डॉल्फिन तो गाना देखने में नहीं है, हम बवाल गा देंगे, खेले वाले गाने बजा रहे हैं, यही स्पॉट है डॉल्फिन का, सब देखो भीड़ कैसे कलेक्ट हो गई, वहाँ आ जाओ, आके चली गई, आके चली जाती है यार, इतनी जल्दी चली जाती है, सामने देखो दिखाई दे रहा है, गोवा की भाषा में जो गाने बज रहे दिमाग खराब है। बहुत कमी डॉल्फिन है जी,
बड़ा खतरनाक माहौल बना हुआ है डांस करने का। शूटिंग हुआ है और भूतनाथ मर्डर टू और भूतनाथ का शूटिंग हो चुका है। उसके नीचे देखो जो बंगला दिखाई दे रहा है बंगला वो डायमंड मर्चर बंगला है और उसका 80 करोड़ का कॉस्ट जब बनाया था और उस ओनर का नाम है जिमी कास्कर वो मुंबई का है और उस बंगले में हसीना मान जाएगी मोई का शूटिंग हुआ है गोविंदा और संजय दत्त का हसीना मान जाएगी का चर्च दिखाई दे रहा है वो सेंट रॉरेंज चर्च है और वो बहुत पुराना है जब गोवा में पुर्तगीज का राज्य था तब बनाया हुआ है और उस चर्च में और इस जेल में कयामत मूवी का शूटिंग हुआ है कयामत जेल है वो पहले कह रहे जिसको जाना फ्री है देखो जो फोर्ट दिखाई दे रहा है वो घोड़ा फोर्ट है और उस फोर्ट पे सिंगिस ब्लिंक मूवी का शूटिंग हुआ था अक्षय कुमार का सिंगिस ब्लिंक की शूटिंग और दिल करे चूचे सब निकाला है उधर और वो जो सी है पूरी अरेबियन सी है वो गाइड बता रहा है हम आपको बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा कुबेड़ू बोर्ड किए अबे इतना सुकून मिला है बाहर उतने बम 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 हो रहा था कुबेड़ी है तो पीएमसी यार कर रहा है वाले के भाग जाए अंदर उसका चुड़ैल का आने का मन नहीं है उल्टा उल्टा चल रही क्या हो गया बोर्ड से उतरी नहीं हो अभी तक धूप लग रही है तो मतलब उल्टा चल रही दिमाग देखो भैया गाइस बोट से हम लोग उतर लिए और डॉल्फिन शो भी देख लिया डॉल्फिन शो तो कम था और बोट राइड ज़्यादा थी डॉल्फिन दिखी मतलब थोड़ी बहुत दिखी आप लोग ने देखा होगा बोट राइड तो काफ़ी लंबी थी यार मतलब 40-50 मिनट्स की बोट राइड थी पूरी सिर्फ बैठे रहे मज़ा आ गया यार लेकिन बहुत पीस था बहुत ज़्यादा सुकून था और कुबेड़ी लोग कुछ ज़्यादा थे बोट पे और गोवा के गाने बज रहे मज़ा आ गई भाई मिरामार बीच पे ज़रूर विज़िट करें बहुत सी चीज़ें आपको इस बीच पे देखने को मतलब समंदर में मिलेंगी जैसे कि डॉल्फिन्स हो गई और बत्तखें हो गई और मतलब मॉन्यूमेंट्स कितने पुराने पुराने सब बने हुए हैं बंगलो है और क्या कहते हैं आपका सब सेंट्रल जेल वगैरह सब कुछ मतलब वो दिखाएंगे आपको तो मतलब एक्सपीरियंस तो ये बेस्ट रहा मतलब मज़ा आ गई 350 रुपये में क्या ले गए भाई तो मज़ा आ गया यार अब पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब कहाँ चलेंगी अब खाना खाने जा रहे हैं हम लोग मिरामार बीच गोवा की भाई अब तक की मतलब जितनी भी बीचें गए हैं हम सबसे अच्छी हमें यही बीच लगी सुकून भी है और यार मतलब एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे हाँ वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं है जो हम लोग ने वहाँ करी थी बागा बीच के साइड में कौन सी बीच थी वो कैंडोलम बीच के तरह नहीं एक्टिविटीज़ हैं लेकिन यहाँ सुकून बहुत है आई वॉन्ट पीस नो प्रॉब्लम्स अल्मोड़ा बीच का हमें मार्केटिंग करना है ठीक है इन लोग की शॉपिंग के चक्कर में इतना तगड़ा सीन हमने खो दिया यहाँ पे I'm all the sins that you can't confess I'm just your ghost if we're not undressed A part of me wish that we never met ये बंद है अभी जब हम लोग शिप पे थे तो दिखा नहीं रहा था किला बोल रहा था सिंगिस ब्लिंक की यहीं शूटिंग हुई है बंद चल रहा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइस शॉपिंग और घूमना सब कुछ हो गया है तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग है रैप कर रहा है